बिग बॉस के सेट पे अभिषेक कुमार के री एंट्री को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। आपको बता दें कि कल देर रात अभिषेक कुमार को शो से एलिमिनेट कर दिया गया वीकेंड के वार से ठीक एक दिन पहले। अब आपको बता दें कि फिर अपडेट आ रही थी कि अभिषेक कुमार की री एंट्री होगी शो में एज अ वाइल्ड कार्ड या फिर एज अ री एंट्री अर्चना गौतम के जैसा वैसा। तो अब फिर कुछ देर के बाद ये रिपोर्ट आने लगा कि अभिषेक कुमार ने थप्पड़ मारा तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है क्योंकि वो फिजिकल में काउंट होता है। तो अब आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है अभिषेक कुमार की री एंट्री तो हो गई है, 110% श्योर है, क्योंकि फर्स्ट तो अभिषेक के दोस्त माधव शर्मा ने हिंट दिया टेंशन ना लो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है उनके माधव, तो उन्होंने टेंशन ना लो और इस तरह से इमोजी से शेयर किया था। तो उससे तो ये तय है कि अभिषेक की वापसी होगी, क्योंकि अभिषेक अगर शो से निकले तो वो घर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभिषेक कुमार अभी भी सेट पे मौजूद है। अभिषेक कुमार को आइसोलेट करके रखा गया है, उनके हाथ में ना तो फोन दी गई है ना तो उनका मीडिया का इंटरव्यू हुआ है, और वो तभी होता है जब बिग बॉस को शो में कंटेस्टेंट को दोबारा एंट्री करवाना होता है, नहीं तो नॉर्मली जब कंटेस्टेंट बाहर निकलते हैं तो उनका मीडिया का इंटरव्यू होता है। तो अब तक उनका ऐसा भी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है और ना ही उनके पास उनका फोन है, अभिषेक के पास अभी तक अभिषेक का फोन नहीं पहुंचा था कि उन्हें बाहर का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता चले। तो अब ट्विस्ट ये है कि अभिषेक की री एंट्री होगी या फिर उन्हें सीक्रेट रूम में रखा जाएगा, सीक्रेट रूम वाला भी ट्विस्ट आ सकता है। हालांकि पिछले लास्ट हमने सीक्रेट रूम वाला बिग बॉस 13 या 14 में कुछ देखा था, 15 में तो नहीं था सीक्रेट रूम का कुछ, 16 में भी नहीं था, तो सीक्रेट रूम का चांसेस तो कम लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर इस वीकेंड के बाद पे उनकी एंट्री नहीं कराई गई तो उन्हें सीक्रेट रूम में रखा जाएगा। हालांकि आज शूट हो जाएगा, आज हमें देर रात पता चल जाएगा कि आखिर अभिषेक कुमार को लेकर सलमान खान ने क्या फैसला लिया है, और अगर उनकी एंट्री होगी तो वो हमें संडे के एपिसोड में पता चलेगा। तो जो भी होगा मुझ तक जैसे भी अपडेट पहुंचती है मैं आप तक जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, अभिषेक की वीकेंड के बाद पे री एंट्री होगी या फिर सीक्रेट रूम में है अभिषेक कुमार? जो भी लगता है फटाफट से कॉमेंट करे, क्योंकि जब तक आप मुझे कॉमेंट नहीं कीजिएगा मुझे पता कैसे चलेगा कि आप अभिषेक के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो भी लगता है फटाफट से कॉमेंट करे और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।